हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में आज देख लेना है यहाँ पर कि ये झारखंड नीट काउंसलिंग का आपको आपकी चॉइस फिलिंग जो यहाँ पर चॉइस फिलिंग स्टार्ट की कर दी गई है, झारखंड नीट का चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी गई है, तो उसे आप कैसे कहाँ पर जा करके सारे प्रोसेस को आप करते हैं तो आप इस वीडियो में देखेंगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। सो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी आपको करने क्या है कि आपको जो मैंने टाइप किया वो टाइप कर देने हैं और यहाँ पर सर्च करने गूगल ब्राउज़र में, अपने गूगल ब्राउज़र में सर्च करने के बाद यहाँ पर टाइप करके न्यू टैब में आप ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं IAS पेपर का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के तो चॉइस फिलिंग हैज़ बीन स्टार्टेड नाउ। ओके, तो ये तकनीक है, ज़रूर सीख लीजिए इस चीज़ को कि सर्च करके करते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ तक आ गया, अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करनी होगी, यहाँ पर लिखा है एक नोटिफिकेशन की स्टार्टेड है आपकी, तो यहाँ पर अब देखनी क्या है आप, तो नोटिफिकेशन यहाँ पर आती है। तो सबसे पहले फॉर्म को फिलअप कर देना, ये फॉर्म इंपॉर्टेंट तो है आपके लिए, पर कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्ट रेट, कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सब फिल करनी होती है यहाँ पर लास्ट में, और गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक कर देंगे तो आपको क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलते रहेंगे झारखंड नीट के रिलेटेड, और अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूट से भी आपको ऑफ़र मिलते हैं ताकि आप यहाँ पर एडमिशन करा सकें अपना। ओके, तो चॉइस फिलिंग की बात कर रहे थे हम लोग, चॉइस फिलिंग हैज़ बीन स्टार्टेड नाउ, क्लिक हियर फॉर चॉइस फिलिंग। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ, देश का टॉपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। UPES यूनिवर्सिटी और LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें सिर्फ आसपास के बच्चे ही नहीं आते हैं, इसमें अलग अलग जगहों से, अलग अलग मतलब कि अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग सिटी स्टेट से आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें काफ़ी अच्छे खासे प्लेसमेंट है, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी रहती है, बेस्ट रहती है फॉर द अदर यूनिवर्सिटीज़ अदर, तो ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। और अगर आप जब अलग अलग लोगों से, अलग अलग टैलेंटेड बच्चों से अगर आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, साथ में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है, आपका कल्चरल एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज एक्सचेंज होती है, आपका टैलेंट, आपका अदर भी सारी चीज़ें एक्सचेंज होती है, जो उनके पास है वो आपके पास एक्सचेंज होने लगती है, वो चीज़ आप कर पाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, आप जैसे कि कुछ नहीं आता आपको, एकदम से मतलब ऐसा है कि कुछ आता ही नहीं, मैं ऐसे बैठा रहता हूँ, तो आप अगर ऐसे लोग के पास जाते हैं जहाँ पे वो लोग टैलेंटेड हैं, नॉलेजेबल हैं, उस चीज़ के बारे में वो चीज़ बातें करते हैं, तो आप क्या करेंगे, वो चीज़ सुनते हैं, मतलब कान में जाती है, वो आवाज़ आपके अंदर आती है, और आप क्या करते हैं, वो चीज़ को अपने अंदर वो चीज़ें आने लगती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है सेट। तो ये आज के ज़माने में बहुत लोग यही करते हैं और ऑटोमेटिकली सब कुछ सीख जाते हैं, और ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद भी करते हैं। तो मैं अभी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जरूर लीजिए, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होता है और एडमिशन ले लेनी होती है रजिस्ट्रेशन करके। तो आगे चलते हैं, चॉइस फिलिंग की बात कर रहे थे, जहाँ पर आप चॉइस फिलिंग हैज़ बीन स्टार्टेड नाउ, क्लिक हियर टू चॉइस फिलिंग। अब जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप न्यू टैब में ओपन हो चुके हैं, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पर क्या करना होता है, साइनिंग पे क्लिक करना होता है। जब इसमें क्लिक करते हैं तो आपको लॉगिन आईडी या फिर यूज़र आईडी आपका होगा वही आपको टाइप कर देनी होती है, और यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर देनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप करने के बाद रिमेंबर मी और सबमिट पर क्लिक कर देनी होती है। जब आप सबमिट कर लेते हैं तो क्विक टिप्स, यहाँ पर आप जो है क्या कर पाएंगे, यहाँ पर अपनी चॉइस फिलिंग के लिए आगे आप फिल करके आगे प्रोसेस स्टेप आगे भी जा सकते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो आपके लिए ईजी पड़ता है। तो अगर आपको किसी भी प्रोसेस में डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया मैंने, क्लिक करके इस पेज पर आएँ और अपना एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस को कम्प्लीट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you.